नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। तो अपने नाइन्थ का इंग्लिश चल रही है, अपनी अपना चैप्टर फर्स्ट ही चल रहा है दोस्तों, क्योंकि अपने क्या है काफी लंबा चैप्टर अपने मूल पार्ट कर रहे हैं। इसके पिछले वीडियो तक आप क्या है पांच पार्ट देख चुके हो, और अपने छठे पार्ट में यानी चर्चा करेंगे। इससे पहले जो अपने पांच पार्ट देखे हैं, किस प्रकार बच्चा क्या मेले के दृश्य को देखता है, उसकी ओर स्वागत होता है, यानी उसे क्या है तो फूलों की माला गार्डन और फ्लोर स्वागत करती है, मिठाइयां स्वागत करती है, वो मस्टर्ड फील्ड देखता है और वो आगे बढ़ता है, आगे खेल देखता है, और वो कई बार क्या अपनी माँ से पीछे रह जाता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर पीछे रहता है। तो आगे जो कहानी है उसके बारे में अपने क्या चर्चा करेंगे। तो आगे वो किस चीज को देखता है, कैसे वो पैशनेट होता है, सम्मोहित होता है, अट्रैक्टिव होता है। तो आगे अपना पार्ट चल रहा है, देखो ये स्नेक क्या होता है, स्पेरा, ठीक है। जो सामने आपका धोती वगैरह जो स्पेरा होता है, जो बीम जाता है, जहां पर जो स्पेरा क्या होता है, ठीक है, वो होता है स्नेक चार। टोकरी जो भी होते हैं स्पेल होते हैं वो क्या होते हैं, बास्केट के पास टोकरी होती है, उसमें सांप रखते हैं, फ्रूट होती है, फ्रूट हो जाते हैं, ठीक है। जो स्पेरा था वो क्या फ्रूट बजा रहा था, उठा हुआ था उसको एक दृश्य सम्मोहित करता है, आकर्षित करता है, वो एक स्नेक चार्मर यानी एक स्पेयर को देखता है, ठीक है। स्पेयर एक बांसुरी बजा रहा है, प्लेट कर रहा है, इसको फ्लूट को बजा रहा है, और उसके पास एक टोकरी है, ठीक है। उसके अंदर एक सांप भी, स्पेयर होगा तो आपको पता है कि सांप भी होना चाहिए, तो स्पेयर की वो बात बनेगी। तो उसके पास एक टोकरी है, बास्केट है, फिर स्नेक के बीच कोल्ड कुंडली वाली बास्केट भी वो टोकरी के अंदर क्या है, बास्केट के अंदर टोकरी के अंदर जो सिर है वो उठा हुआ है, सामने से उठा रखा है, और ये कह सकते हैं उठा हुआ है। इन्हें ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक्स्ट गर्दन से झुकी हुई है, लाइक नेक ऑफ दिस स्वान, जैसे मान लो हंस की हो, एक हंस हो, फिर उसकी गर्दन झुकी हो, इस कंडीशन है, ठीक है। बाहर का म्यूजिक स्टोल इन द इंडिविजुअल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपिंग ऑफ इंडिविजुअल वाटरफॉल, जैसे म्यूजिक दिया जाता है वो वाटरफॉल के अंदर क्या है कुछ दृश्य, वो उनके दृश्य कॉम्पिटिशन म्यूजिक जाता है, वो कुछ दृश्य घटनाएं बाबू दर्शा रहा है, ठीक है, कुछ दृश्य दर्शन बाबू क्या दर्शा रहा है कि म्यूजिक होता है दृश्य जो यहाँ दिखाई ना दे। तो चाइल्ड बैंड पर्स का स्नेक, जो बच्चे होते हैं वो जाते हैं, बच्चे को जाते हैं थोड़ा सदा की ओर जाते हैं, अंदर जाते हैं, इसको स्नेक सांप की तरफ जाते हैं, क्योंकि सांप पसंद है, जो सांप जो अपनी जो कर्तव्य दिखा रहा है उसे पसंद होता है, स्पेयर काम होता है सांप से कर्तव्य दिखाना। तो बच्चे क्या सांप की ओर जा रहे हैं, जाते हैं, सांप चार होता है स्पेयर की ओर जा रहे हैं, सांप चार होता है स्पेयर की ओर क्या बच जाते हैं। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैव फॉरबिडन हिम, लेकिन जो माँ बाप है वो मना करते हैं, तो हियर सच मना करते हैं, तो लेकिन जो उनकी मदद का वो जानते हैं, ठीक है, हेड फॉरबिडन मना करते हैं, तो हियर सच ये सुनने के लिए, इस प्रकार की अफसर सुनने के लिए मना करते हैं, म्यूजिक होता है सुनने मना करते हैं। ऐसा स्नेक चार पर प्लेट जो कि स्नेक चार पर बजा रहा है, स्नेक चार होता है जो स्पेरा क्या बजा रहा है, ही प्रोसीड फर्दर आगे बढ़ते हैं, कि मतलब अब जो लड़का है जो मेले में जा रहा है, जिसका द लॉस्ट चाइल्ड के नाम पर पार्ट का नाम पड़ा है, जो यहाँ पर मेन कैरेक्टर है, चरित्र है, मेन रोल चरित्र निभा रहा है, तो वो मेले में जाता है, तो मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, फूलों से सम्मोहित करते हैं, कई चीज़ों से मिठाई स्वीट
सिंबोलिक करती है, अनिश्चित होती है, लेकिन हम क्या है उसको स्फेरा सिंबोलिक कर रहा है। ठीक है, एक स्फेरा का दृश्य आता है, एक सनिचर में स्फेरा होता है, वो एक फ्लूड यानी मौसम जा रहा है, ठीक है ना, और उसके पास एक सांप भी है, कुछ गर्द उठी हुई है जिसमें बताया गया है, तो वो मुझे पूछा रहा है कुछ सांप अपनी कलाकृति करता है, लेकिन जो माँ बाप मना करते हैं, ठीक है, मकड़ो कई बच्चों माँ बाप मना करते हैं उसको जाने के लिए, ठीक है, तो वो एक सांप का दृश्य यहाँ पर क्या पार्ट दर्शाया गया है, तो आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। इस पार्ट में राइटर ने अपनी कौन सी कल्पना शक्ति को उजागर किया है और हमारे समय रखा है, तो देखें देर बाद राउंड बाउट इन फुल स्विंग, एक नंबर राउंड होता है, एक चक्करदार होता है, पाउंड होता है, इंकलाब सा होता है, कुछ तैरने के लिए उसे बोलते हैं चक्करदार पथ होता है, ठीक है, तैरने के लिए राउंड बाउट, एक चक्करदार क्या गोलाकार क्या चक्कराकार बोल सकते हैं, गोलाकार पथ होता है, ठीक है ना, सी होता है तैरने के लिए, फुल स्विंग तैरने के लिए, एक वो दृश्य होता है, वो जो तैरने का दृश्य होता है चक्करदार बाउंड बच्चे की नजर पड़ती है, बाउंड मेन होते हैं, मैन एंड पुश हो गए, विमेन एंड महिलाएं होगी, ठीक होती है, एंड चिल्ड्रन और बच्चे होते हैं, ठीक है, कैट हो गए इन वार्डलिंग मोशन, वो यानी कि वहां से घुमाकर जो गति होती है, ठीक है, उसका इंतजार करते हैं, कभी वो स्विंग चीखे मारते हैं एंड ट्राई चिल्लाते हैं, फिर जो डिजी डॉक्टर हंसा से बोल रहा है उसी कदर को चीखे मारते हैं और चिल्लाते हैं, और जो स्विमिंग पूल वहां पर क्या है, कई मैन है, विमेन महिलाएं हैं, चिल्ड्रन बच्चे हैं, ठीक है, वो वहां पर अपना यानी प्रोग्राम कर रहे हैं, वो जैसे घोड़ा का घूमते हैं, घूमते हैं तो अपने को चीखे मार रहे हैं, ठीक है, उसमें हंसी से चिल्ला रहे हैं, ऐसा दृश्य उसको दिखाई देता है, जब इस दृश्य दिखाई देगा तो बच्चे को सम्मोहित करेगा, आकर्षित करेगा, फैसिनेट होगा, अट्रैक्टिव होगा, वो चीज लग रही है, तो चाइल्ड वास्ट देन बच्चा उसको देखता है, बच्चा उनको देखता है, जो वहां पर नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, उनको देखता है, ठीक है, होता है बहुत ही सालों को देखता है, एंड देन ही मेड ए बोल्ड स्ट्राइक, फिर उस मान के साथ कहता है आई वांट टू गो ऑन राउंड अबाउट, मैं भी क्या उस गोलाकार जो चक्कर करता था मैं जन जाता हूँ, प्लीज कृपा करके फादर मदर अपने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करता है मुझे पकड़ के जा रहा, मतलब जो भी बच्चा उस पानी के दृश्य जो गोलाकार जो पथ पर जो स्विंग है, ठीक है ना, तैरने के लिए जगह बनी हुई है, जो महिला पुरुष बच्चे हैं सब इस चीज का ले रहे हैं, तो बच्चे के मन में ख्याल आता है, विचार आते हैं कि मुझे भी क्या है, एक मूर्ति रिफ्लेक्शन है, क्यों एक तरीके से उसके अंदर एक मन स्थिति होती है, मुझे भी वापस देना चाहिए, वो चीज उसे फैसिनेट कर लिया, करके बड़ी आकर्षित कर लिया, उसे अपनी ओर खींच रही है, तो वो भी कहता है मुझे भी क्या है वहां पर जाना चाहिए, मुझे भी क्या है राउंड बोर्ड पर जाना चाहिए, जो चक्राकार जो गोला का पथ है जहाँ पर बच्चे स्विम कर रहे हैं, बच्चे मेला पुरुष जो स्विम कर रहे हैं, वहां उनकी जाना चाहिए, उसे वो चीज आकर्षित करती है, और वो वहां पर जाने की अनुमति मांगता है, समान के साथ माता कहता है मम्मी पापा के मुझे वहां जाने दो, ठीक है, ऐसी कंडीशन इस पार्ट में आएगा बताइए, तो आज आपने आज आपने तो स्पेरे वाला दृश्य के बारे में अध्ययन किया, किस प्रकार स्पेरा होता है, इस बार स्पेरा का वर्णन भी आया है सही जानवर का, ठीक है, ये स्पेरा जी देखो मेले के अंदर इसके खेल होते हैं, ठीक है, स्पेरा होते हैं, ठीक है, आजकल तो देखो इस व्यवसाय पर सरकार ने बहुत ही बात ये पार्ट पुराने जमाने का, तो मेले में क्या है ये सही जानवर की कंडीशन भी यही होती थी, सांप के पास दिखाना कैसे घुमाना, ठीक है, तो एक ये दृश्य राउंड वाला दृश्य दिखाई मेले में आजकल कहीं नहीं देखने को मिलेगा, आपको ये भी होता है, ठीक है, तो आज के वीडियो के अंदर आप ये चीजें हैं इसका आपको तो समझा दिया होगा किस प्रकार वो स्पेरिंग और आकर्षित होता है, किस प्रकार वो राउंड बाउट और आकर्षित होता है, तो दो तीन बार देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।